नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आगे बढ़ा रही है। सर्दियों की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर प्राइवेट स्कूलों ने अपनाते हुए इसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक पर लागू करने का काम किया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले पहली बार अध्यापकों को शारीरिक व मानसिक फिटनेस प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। भिवानी के स्कूल परिसर में इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में 500 के लगभग प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों ने 7 विभिन्न खेलों, रस्साकसी, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, क्रिकेट, लेमन रेस, रिले रेस, 100 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया। खेल खेल में शिक्षा देने के नारे पर काम करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा द्वारा आयोजित इस खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर विभिन्न स्कूलों ने अपने स्टाफ के साथ मार्च पास्ट किया तथा मशाल जलाकर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव राम अवतार शर्मा व भिवानी के विधायक घनश्याम शराफ ने कहा कि कोई भी अध्यापक अपने बच्चे को तभी फिट रख सकता है जब वह खुद फिट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया प्रोग्राम को अपनाते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सर्दियों की छुट्टियों में इस प्रतियोगिता का आगाज किया है ताकि स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक व अध्यापिकाएँ शारीरिक व मानसिक रूप से फिट हों, तभी वे देश के भविष्य छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि आज खेल के बूते पर ही हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है तथा प्रदेश सरकार की खेल नीति की बदौलत आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 2-5 करोड़ रुपए से इनाम दिए जाते हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। फिर भी इनमें इतना एक उत्सुकता है स्पोर्ट्स मीट के प्रति कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें कम से कम 500 के करीब टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, कौन कौन से खेल जो है वो आयोजित किए जाएंगे? इसमें 7-8 इवेंट हैं, साइकिलिंग है और क्रिकेट है, बास्केटबॉल है और रेस हैं कई प्रकार की। तो 7-8 इवेंट इसमें रहेंगे जिसमें हमारे मेल और फीमेल टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे। सर, जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों के अंदर गेम्स होते हैं, टीचर्स के भी होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी जिस प्रकार से पहला जो प्रयास किया है, क्या मानते हैं भविष्य में भी ये जारी रहेगा? हाँ, इसको हम हर साल करेंगे और आने वाले समय में इसको पूरे प्रदेश स्तर पर प्राइवेट स्कूलों में पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज और फिर स्टेट के एक पूरे स्टेट का एक करने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। क्या मानते हैं इस तरह के कार्यक्रमों से तनाव दूर हो पाएगा? इसमें तनाव भी दूर आएगा और जैसे हम खेल खेल में शिक्षा का जो हमारा एक नियम है कि हम खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार टीचर्स भी हंसते हंसते इन बच्चों को पढ़ाए, उन उसका भी बीच बीच में मनोरंजन होता रहे, इस प्रकार से फिजिकल वो फिट रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, एक नारा है वो फिट इंडिया, हम उसको लेके और इसमें लगे हुए हैं और हमारे अध्यापक बड़े खुश हैं। मैं के मोदी जी और मनोहर लाल जी बचपन से संघ के साधनों के साथ जुड़े और एक खेल के माध्यम से उन्होंने फिट इंडिया का एक अपना संदेश दिया है जिसको लेकर प्रत्येक वर्ग के हमारे खिलाड़ी, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, और उन सब का साथ लेकर देश में भी एक क्रांति आने वाली है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे सभी सज्जनों के लिए जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन है। और फिट इंडिया के माध्यम से जो बच्चे आगे जा रहे हैं उन सब का स्वागत माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हरियाणा के क्षेत्र में भी इनाम जो 2-5 करोड़ रुपए किए, इसी प्रकार बच्चे यदि हमारे सबके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्मान को वृद्धि मिलेगी और ये बच्चे नौकरी पे भी लगाए जा रहे हैं। बोलना चाहेंगे PSA टीम का, जिन्होंने आज सभी टीचर्स के लिए और हम जैसे प्रिंसिपल्स के लिए भी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट जो PM मोदी द्वारा चलाया गया है वो सिर्फ इसीलिए नहीं चलाया गया कि हम सब
देखो जिस प्रकार से खेलों से तनाव दूर होता है, कहा जाता है कि बच्चा हाँ, खेलों से जैसे तनाव दूर होता है तो टीचर्स भी सारा दिन क्लासरूम्स में से पढ़ाने के अलावा और भी कुछ कर पाए, उनका भी विकास होना जरूरी है और उनके भी जो गृहस्थी के तनाव है, बहुत तरह के तनाव में एक विमेन जी पाती है सारे दिन में, उन सबको दूर करने के लिए पी एस सी की एक नई पहल है जो फर्स्ट पी एस सी स्पोर्ट्स मीट के नाम से। मानसिक और शारीरिक बच्चों में भी जो है खेल जरूरी है, तो अध्यापकों के लिए भी खेल बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, खाना जरूरी है, और इसी तरह टीचर्स के लिए या किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, वेदर वो टीचर है या नहीं है बट वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसको खेलना और फिट रहना बहुत जरूरी है। प्रकार से हमारे संचालक और टीचर इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं और ये जो अपने खेल का नज़ारा करेंगे तो बच्चों को भी सिखाने का एक अवसर इन सबको मिलेगा। सर, कहा जाता है कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है, आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि खेल का तो अपने जिंदगी के अंदर विशेष महत्व होता है और हमारे अनेक ऐसे बच्चे रहे हैं जो गली में खेलकर और बढ़िया टीमों में शामिल हुए और उन्होंने विश्व कप के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारे सभी साथियों ने आगे बढ़े हैं और जो ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा ये भी कहना है कि आप इनको मिट्टी में खेलने दें क्योंकि इस देश की माटी ऐसी पवित्र माटी है, ये शरीर पर जितनी लगेगी उतना शरीर मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा फिट इंडिया, खेलों के माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारा देश सिरमौर बनने जा रहा है और कई ऐसे गेम हैं जिसमें हम और भिवानी जिला प्रथम आता रहा है। भिवानी को उस गेम के आधार पर हम ये भी मानते हैं कि ये मिनी कुब्बा, और इस प्रकार के यदि और अधिक हमारे बच्चे बलवान होते हैं तो निश्चित रूप से उनका ये प्रयास हमारे बच्चों ने किया है वो देश का गर्व और गौरव बढ़ाने का है। फिट इंडिया की बात करें, प्रधानमंत्री ने जो फिट इंडिया शुरू किया था, इस प्रकार खेल कहाँ तक है उनमें? ऐसा है, जो बच्चे होशियार हैं, जो खेलने में माहिर हैं, उनको खेलने के पूरे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे उस बच्चे का विकास भी हो, मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास इस देश में ज़रूरी है और ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के एक ललक जगाने के लिए आज हमारे स्कूल के संचालक और जो अध्यापक हैं वे अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े हर्ष की बात है। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी बचपन से संघ के साधनों के साथ जुड़े और एक खेल के माध्यम से उन्होंने फिट इंडिया का एक अपना संदेश दिया है जिसको लेकर प्रत्येक वर्ग के हमारे खिलाड़ी, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, और उन सब का साथ लेकर देश में भी एक क्रांति आने वाली है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे सभी सज्जनों के लिए जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन है और फिट इंडिया के माध्यम से जो बच्चे आगे जा रहे हैं उन सब का स्वागत माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हरियाणा के क्षेत्र में भी इनाम जो 2 से 5 करोड़ रुपए किए, इसी प्रकार बच्चे यदि हमारे सबके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्मान को वृद्धि मिलेगी और ये बच्चे नौकरी पे भी लगाए। का देश है भिवानी मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है और पूरे हरियाणा में आज एक स्पोर्ट्स का एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट बन रहा है। उस ऐसे बनते हुए एनवायरनमेंट में जब तक हम खेलों को घर घर तक, स्कूल स्कूल तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारा जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलों में अपना वर्चस्व स्थापित करने की बात है वो नहीं बन सकती। तो इसलिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जिसका एक उद्देश्य ये भी है कि इस पूरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, उस दृष्टि से यदि देखूं तो स्कूल के टीचर्स का ये प्रयास बहुत ही एक अद्भुत प्रयास है और हम ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय तो ये चाहेगा कि
स्कूलों के साथ, कॉलेजेस के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर हम सब सामूहिक रूप से प्रयत्न करें ताकि इस क्षेत्र में एक बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा सके और घर घर में सब लोग माने कि जो ज्ञान है वो केवल किताबों से नहीं आता, ज्ञान सांस्कृतिक प्रोग्राम से, ज्ञान खेल कूदों से, ज्ञान क्लासरूम में पढ़ाई से, और जो ये सारी विधाएं हैं ये बच्चे के समग्र विकास में सहायक होती हैं। इसलिए यदि खेलों को बढ़ावा देंगे तो एक सशक्त देश का निर्माण होगा। उस दिशा में ये इस आज के इस कार्यक्रम को मैं देखता हूँ और उनको बधाई देता हूँ।